आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट और एसएमआईटी जो बड़ा काम कर रहा है उसके बहुत अहम पिलर है। इस इदारे के चेयरमैन हज़रत बशीर फारूकी साहब ने चीज सिखाई है कि जब भी हम मीटिंग शुरू करते हैं तो 12 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ और 12 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, वो पढ़ लें आप लोग भी और फिर मीटिंग शुरू करो। अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम लोग कहीं ना कहीं इंगेज हैं और आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आज आप लोग आ गए। उन आवर्स में जब आपको पर्यावरण रेट भी नहीं मिल रहा होगा फिर भी आप लोग आ गए। मुझे चेयर चाहिए ना, आराम से बैठे मुझे चेयर ला दो। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने जो पाकिस्तान से कराची से बाहर बैठे उन्होंने ऑडिटोरियम भी देखा और जो आप लोगों ने जितनी जगह भी पढ़ा रहे हैं सबसे मेन चीज हमारी होती है वो होती है क्वालिटी मेंटेन की जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हजरत साहब ने हजरत बशीर फारूकी साहब ने डे वन से इसी चीज को बेस बनाया हुआ है कि हम जो पढ़ा रहे हो जिस तरह पढ़ा रहे हो उसकी क्वालिटी को मेंटेन किया जाए। ठीक है हम पैसे नहीं लेते, हम अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, मगर कहीं भी टीचर सिलेक्शन के अंदर लैब बनाने में ऑडिटोरियम बनाने में इंटरनेट सेट करने में कहीं किसी चीज पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता। मेरे पास ये बात आप तमाम लोग जानते हैं कि जितनी जगह पर भी हमारे लैब बनी हुई है आपको बेहतरीन इंटरनेट दिया जा रहा है, कभी एसी के मसले आ जाते हैं मगर हर चीज बेहतर से बेहतर की जा रही होती है। और कोशिश यही होती है कि यार स्टूडेंट को बेस्ट चीज मिले। आज यहाँ पे इंजमाम बैठे हुए हैं, नासिर भाई बैठे हुए हैं, मेरे बाकी वेबिन ऐप की और ग्राफिक फैसिलिटेटर बैठे हुए, आप तमाम अपने शोबों के इमाम हैं। चाहे बाकी जो फ्रेंड्स काम कर रहे हैं, ऑनलाइन टीचर से ज्वाइन किया है लैपटॉप से यूज कर दो मुझे मजा आएगा, ये तो ट्रेनर से ज्वाइन किया है, जितने कुर्से भी चल रहे हैं, मतलब मैं सिर्फ की बात कहूं कि हमारे पास सीसीओ भी चल रहा है। अब देखा जाए तो यार वो तो बहुत बेसिक सा कोर्स है मगर उसके अंदर भी जितना अच्छा काम रिजवान कर रहे हैं, जितनी स्टोरीज हमारे पास आ रही होती हैं स्पेशली बच्चों के अंदर और खास तौर पे अभी जो टेक्नो किड्स होता है, इतनी बेहतरीन स्टोरीज आ रही होती हैं तो हमें मजा आ रहा था कि यार देखो कितना जबरदस्त काम हो रहा है। तो एक बात और प्रैक्टिकल है कि हमें प्राउड है कि यार आप तमाम लोग हमारे पास बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट फैकल्टी है। अगर किसी और इंस्टीट्यूट के पास ऐसे लोग नहीं है, गौस जैसे लोग नहीं है, अगर आज वो कामयाब नहीं हो रहे तो यकीन मानो दो चीजों का फर्क, एक उनके पास हजरत बशीर फारूकी साहब का विजन नहीं है और दूसरा उनके पास आप जैसे डेडिकेटेड टीचर्स नहीं हैं। आप लोगों की डेडिकेशन की वजह से सैलानी मास ट्रेनिंग में क्रीम पैदा हो रही थी। एक तो जो आज प्लेटफॉर्म बनाया है इसकी दो चीजें टारगेट्स हैं मेरे, एक अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हजरत बशीर फारूकी साहब के साहबजादे मंदी रजा बैठे में इंशाल्लाह वो भी बात करेंगे आके। एक तो हमारा टारगेट ये है कि हम आपके साथ एक रेगुलर इंटरेक्शन में ताकि आपसे डिस्कस किया जा सके कि चीज़ों को मजीद कैसे बेहतर किया जाए, इसीलिए खुद मंत्री आगे बैठे हजरत साहब ने और बोर्ड ने इनको इस बात पर लगाया कि हम इस बात पर काम करें। दूसरा मैं स्ट्रेट उस एजेंडे के ऊपर आता हूँ क्योंकि मेरा मेन एजेंडा ये सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के कई
अरब रुपए के अखराजात हैं हर महीने के, हर माह कमोबेश अगर हम एस्टिमेट करें तो 1 अरब तो इजीली हम अखराजात करते हैं एक महीने में। 19-20 साल होता है कभी 85 करोड़ होते हैं, कभी 80 करोड़ होते हैं, कभी 110 भी हो जाते हैं। जो 2022 का साल गुजरा, हमने इस साल में अल्हम्दुलिल्लाह 10 अरब रुपए काम किए। ये सब पब्लिक चैरिटी है। आज अगर आज 9 तारीख है ना, मैं बड़ा क्लियर स्टेट दे रहा हूँ, जो डेटा दे रहा हूँ मैं इस वो डेटा दे रहा हूँ जो भाइयों को डेटा दिया जाता है ना, कि आप लोग हमारी टीम जैसा हो। सैलानी की कोई सेविंग अकाउंट नहीं है, सैलानी अपने पैसा सेविंग्स में नहीं बढ़ा। सैलानी ने वो क्या चीज होती है जो अक्सर इधारों में खुला होता है तो पैसा आपके सालों में डिपॉजिट किया होता है, सेविंग अकाउंट, प्रोविडेंट फंड भी एक और चीज होती है ना, तो यूनिवर्सिटीज बना रखती है वो एंडोमेंट फंड, एंडोमेंट फंड। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट का कोई एंडोमेंट फंड नहीं है। सैलानी वेलफेयर के पास कोई इंटरनेशनल ग्रांट नहीं आती कि हम यूएस एड, यूके एड, फला एड ले। सैलानी वेलफेयर को पाकिस्तान में रहने वाले लोग और वो पाकिस्तानी जो बाहर मालिक पे रहे हैं वो डोनेट करें। हमने लंगर खाने चलाए, पनागाहें चलाई, एहसास वहसास चलाया, हमने हुकूमत पाकिस्तान से कोई रुपया नहीं लिया। एक दफा नेफ्टा के प्रोग्राम ट्रेड किया तो वो बंद कर दिया, एक दफा चलाया ना नेफ्टा का प्रोग्राम, यस सर, क्योंकि हमने लेना नहीं पैसा, हम क्यों प्रोग्राम पढ़ाए, वो कहते हैं यार हमने बंद कर दिया। तो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ जो एक्चुअल डेटा है। तो आप कहीं जाके बोल सकते हो कि भाई हर इदारा पैसे रखते सेविंग में, कि यार हर महीने के पैसे वहाँ को क्यों रखें, सेविंग में रखो, वहाँ से इंटरेस्ट कमाओ। अच्छा इस बहस में नहीं पड़े कि इस्लामिक बैंकिंग में रख लो या वो, अब हमदारी होते इदारे का इस्लामिक हर काम ही शरिया के लिहाज से होता है, इदारे का डिपार्टमेंट शरिया के लिहाज से बना हुआ। मेरी जितनी बहनें यहाँ बैठी हुई हैं सर जूम कॉल पर, हमारी ट्रेनर है सर, बट मैं कभी जानता भी नहीं उनको। ये मेराज है सरानी की, कि सरानी काम कर रहा है, ना सेविंग अकाउंट है, ना इन्वेस्टमेंट फंड है, कोई इंटरनल ग्रांट नहीं है, कोई इंटरनल एड नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ एहतियात पे काम कर रहे हैं। ऑन एवरेज बात करूं मैं सरानी मास ट्रेनिंग की, तो हर महीने कमों में 10,000 बच्चे इनआउट होते हैं, मतलब अगले महीने में जाते हैं ना पार्ट होते हैं हर महीने। इसमें आप लोग सेशन भी ले रहे होते हैं, वर्कशॉप भी ले रहे होते हैं। मेरी रिक्वेस्ट ये है, आज बैठने की बात ये है कि यार मैं वो बातें करूं जो मेरे अंदर है, दिल की कुछ बातें अजीब सी भी हो सकती है, कि यार एक सोच बनेगी कि ऐसा पार्टी में पैसे लेना शुरू कर दो, बड़ा आसान है पैसे लेना शुरू कर दो इमीडिएट, मतलब आज वोट कह दे, वोट भी है वहां पैसे लेना शुरू कर दो। मगर मैं इसको ना पैसे कमाने का धंधा नहीं बनाना चाहता। मैं समझता हूं कि सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग आज जितने मौजूद है ना, इसका नाम ऐसी है, आज 12 इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं और रिफाइंड आर्मी इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, किसी ने 5 बच्चे को भी नाम लगाए कि उन्होंने बच्चों ने पढ़ के निकले और आज जॉब पे लगे, हमसे हमारे 1,000 बच्चों को नाम लगे, इंतजाम भाई के 1,000 बच्चे, आसाम के 1,000 बच्चे आज पढ़ के निकल रहे हैं, बहुत बेटर है हमारी प्रोडक्ट है, ये सारी हमारी प्रोडक्ट बैठी है जरा कश्मीर। दुनिया भर में एलेनवा नेटवर्क होता है जो 5-8 बच्चों का एलेनवा नेटवर्क बनाया जाता है। आपको पता है आप अल्लाह ना करे भी जाना कभी आपको पड़े, मगर आप सिविल अस्पताल जाओ ना तो उनके वार्ड में जाओ, आप इंटर अस्पताल के वार्ड में जाओ, आप डाउन में उनके वार्ड में जाओ, तो हर ऑपरेशन थिएटर के बाहर लिखा होगा डोनेटेड बाय एलमनॉय, एलमनॉय 87, एलमनॉय 88, एलमनॉय 92, ये लिखा होता है कि फला बैच के सालों में साल के बच्चों ने मिलकर इसको बनाया। तो ये सोच शुरू की जाए इस इदारे के अंदर। आज अल्लाह का शुक्र है गौस भाई एग्जाम्पल दे रहा कि गौस 5 साल पहले पूछो तो गौस पता नहीं था मैं क्या करूंगा, आज गौस पैसे कमा रहा है ना, चैरिटी दे रही है, सकात तो निकालनी है, फितरा तो निकालना है। ऐसा तो कोई बंदा हमारे पास नहीं आता मुझे फितरा ना दे, फितरा तो हर मुसलमान देता है ना, कहीं और दे रहा होता हूँ। हमें ये सोच करानी है कि भाई सैलानी तो दो ना, आप बेटा पढ़ क्या आप सैलानी के काम से मुतमिन हो, आपसे पूछ रहा 100% मुतमिन हो, तो क्यों फितरा नहीं आना चाहिए आपका,
आपके घर वाले फितरे को एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपके घर वाले फितरे को दे रहे हैं ना, नए जिन लोग बढ़ के ऑनलाइन सुन रहे हैं फैसलाबाद में, हैदराबाद में, कराची के ट्रेनर बैठे हुए, बाकी फितरा तो दे रहे हैं ना, सैलानी को दूरी चले फितरा जक़ात निकालनी है ना। हाँ ठीक है, खानदानी लोगों को जक़ात प्रायोरिटी होती है, आपके आस पास लोगों को जक़ात दे रहा, सैलानी को दो रहे यार, फर्ज बनता है, हक बनता है सैलानी का। आपकी क्लास में एक एक बच्चा राजे भाई, ऑन एवरेज एक महीने में कितने बच्चों को पढ़ाते हैं सैलानी के अंदर, मुख्तलि बच्चे आई के वगैरह सब मिला लो, 2500 का में क्या ऐसा बच्चा नहीं है कि हर महीने वो 500 में दे सके सैलानी को? जो आई के में पढ़ा रहे हो तो लाखों रुपए वाले बच्चे ना, मैं तो एक अमाउंट पकड़ रहा, एक मोटी अमाउंट पकड़ रहा कि यार 500 रुपए दे दो हर महीने सैलानी को, अभी ज़कात दे दो, फितरा सैलानी जमा करो। ये करना पड़ेगा, ये सोच दिमाग में बनानी पड़ेगी, इस इदारे को जरूरत है। अच्छा एक बात जो मैं कर रहा हूँ कम्युनिटी लाता हूँ, मैंने आपको बताया कि हमारे कोई फंड, हमारी कोई डिपॉजिट नहीं है, कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं है, मैं आपको बड़े मोटी बात करता हूँ और जो बात कर रहा हूँ ना यकीन मानो बिल्कुल एक्चुअल कर रहा हूँ। इस इदारे के पास इतने फंड पड़े होते हैं कि सिर्फ 5 से 6 महीने गुजर जाए, इतने पैसे रखते कि 5 से 6 महीने के खर्चा निकल जाए, ये काम होता था। मगर अक्टूबर सितंबर 2022 से जो सिलसिला शुरू हुआ मुआशी मसाइल पाकिस्तान में, हमने काम तो नहीं बंद किया क्योंकि लेने में तो पहले 10 से 9 10 बजे बंद होते थे, आज आप ही घरों के पास देखो 10 से 12 बजे से चल रहे हैं क्योंकि जरूरत है उनका शेयर की, हमने तो काम बढ़ा दिए। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, जनवरी में 20 जनवरी को वीडियो में अनाउंस कर दिया, समा की वीडियो में आप सबने देखी होगी समा की वीडियो, के हजरत ने कहा कि मेरे पास सैलानी के पास फकत 2 माह के फंड रहेगा, ये ऑफिशियल अनाउंस किया और इस ऑफिशियल सच था। आज हम मार्च में बैठे हैं, अगर मैं आपको ये बात बोलूं शायद आप लोग यकीन ना करो, मगर इससे एक और चीज मिलती है कि इस इदारे के पास कमोबेश 1 माह का फंड है। मदी भाई ऐसी है ना, मोटी सी बात करो तो 1 माह का फंड अवेलेबल है, मगर इस इदारे के बानी हमारे रहनुमा हमारे लीडर हजरत बशीर फारूकी का तवक्कुल इतना मजबूत है, इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि यार रब ताला जब देने वाले भेज रहे हैं, लेने वाले भी भेज रहे हैं ना, मांगने वाले आ रहे, खाना खाने वाले लोग आ रहे हैं, मेडिकल इलाज के लोग आ रहे हैं, तालीम के लोग आ रहे हैं, तो रब ताला देने वाले भेज देगा। मगर तवक्कुल की तो एक्साइटमेंट होती है ना, एफर्ट तो दीन दिखाते ना, एफर्ट तो करनी है ना, तो एफर्ट मैं तो कर रहा हूँ, मैंने इस दफा नियत करी है, मैं आती नहीं बता रहा, एक फितरे की बुक के अंदर जो पूरी बुक होती है उसमें 100 पेजेस होते हैं, 100 लोगों को फितरे के टोकन होते हैं, जब हम जाते हैं मस्जिदों के बाहर टोकन फाड़ देते हैं, मैंने एटलीस्ट अपनी नियत करी है कि मुझे कम अज कम 300 लोगों का फितरा सैलानी जमा कराना, ये मेरी नियत है इंशाल्लाह, आज से शुरू की है मैंने, कुछ तो एफर्ट करूँ, ज़कात तो अलहमदुल्ला मैं कोशिश करता हूँ, मेरे घराने की ज़कात, मेरी बहनों की ज़कात, बहन भाइयों की, रिश्तेदारों की ज़कात का हिस्सा सैलानी देना, ठीक है कहीं भी देना है बट सैलानी में हिस्सा जरूर है, ये मेरी जाती नियत है। तो फितरे के ऊपर तो काम किया जा सकता है ना, मैंने जब सोचा कि फितरे पर करूँ क्यों बाहर जाऊँ सकता, जब मुझे मेरे सामने मेरा इदारा है तो मैं बोलूं नहीं यार इदारे के पास पैसे बहुत हैं, वो तो खर्च भी नहीं करता। तो भाई मेरी बहनों मेरे दोस्तों, हमें इदारे की सोचना पड़ेगा, इस वक्त इदारा थोड़ा सा परेशान वक्त में आया हुआ है, रमजान हमारे साथ है, हम सबको अपनी ज़कात देनी है, हम सबको हमारे दोस्तों की ज़कात रिश्तेदारों की ज़कात निकालते ना उनको ये बात पहुंचाई जाए, देखिए थोड़ा सा मुश्किल होता है मगर आप क्या अपने लिए मांग रहे, आप तो गरीब लोगों के लिए मांग रहे हो ना, आप देख रहे हो उसमें कि मैं आपको कितनी बरकत मिलेगी, आप तो किसी के लिए मदद मांग रहे हो ना, हमें अगर मैं यहां बैठा हूं मैं हल्फी कह सकता हूं मुझे दर्द से बहुत मोहब्बत है और मैं सबको बोलूं सब भी हाथ खड़ा कर दूंगा, एक सेकंड में खड़ा कर दूंगा, यार इस वक्त मोहब्बत में इस्तीफा करने का टाइम है,
हर महीने की बात तो बाद में करेंगे, अभी तो रमजान सबको देना है, सबको ज़कात निकाल दी, सबको ज़कात निकाल दी। बहुत सारे लोगों को तो घर में उसके पैसे निकालते हैं, जो लोग रोजा ही रखते हैं, क्या कहते हैं उसको, फिदिया, फिदिया कफारा, उसके पैसे निकल रहे होते हैं। तो भाई जब आपके सामने विंडो है सैलानी की, आपका होना जा रहा है सैलानी, तो क्यों नहीं होगा? एग्जाम दे रहा हूँ भाई, कितने लोग आपके घर में साल तक फितरा देते, तो भाई सैलानी में 5 पैसे जमा कराओ, चलो 2 का करीब मस्जिद में करा दो, फितर दे रहा है ना, ऐसा तो नहीं फितर नहीं दे रहा, तो फितर सराहनी में दोना यार। बोलो भाई मैं जिस जगह पे काम करता हूँ वहां पर है, दोस्तों दोस्तों को बोलो, आप खासतौर पे जो इंजमाम भाई और हमारे ये लोग हैं, क्या कह रहे हैं नासिर भाई हैं, ये सीनियर फैकल्टी बैठते हैं, यही क्लास में लेंगे, यही में जो लड़के बैठे हैं सब अच्छे लड़के बैठे हैं, आई मतलब अगर मैं पूछूँ तो iPhone 14 Pro भी 2-4 लोगों के पास होगा, तो यार खर्चे में कमा रहे हो ना भाई, करो उस काम। अब मैं अपनी बात की रिवर्स दे रहा हूँ, उसको बोला बेटा 5 हाथ नीचे आ रहा है, क्या कहते अब फिर बंदी भाई हमारी बात करेंगे, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हर क्लास में हर जगह पे मैं इस बात पे आपसे वादा लेना चाहता हूं कि सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की क्लास हो, आई कैप की क्लास हो, एबीसी एक्सवाई की नहीं क्लास, ये जो क्रीम बैठी है ना आप सबके अंदर, आज आप कुछ ना कुछ हो ना तो सैलानी की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, इसमें कोई दो बातें नहीं है, अपने आप यूं बंदा देखे ना समझ में आ जाता है, हर बे मतलब 8-10 लड़के बैठे हैं, टीचर बैठे हुए हैं, यहाँ पे मेरे पास इस वक्त टीचर बैठे हैं कमोबेश 20-21, तो 30-35 टीचर बैठे हैं, मैं देखूं तो 35 में से 28 सैलानी पोर्ट्स होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे फख्र होता है बात के ऊपर। तो आप सैलानी वेलफेयर के लिए हर क्लास में, अपने हर सेमिनार में, अपने ऑनलाइन सेशन करो, आपके हर बच्चे के पास ऑनलाइन आपके फिर बहुत ज्यादा लोग बैठे हैं, लाइव सेशन करो, सैलानी की पोस्ट शेयर करो, हर क्लास में एटलीस्ट 10-15 मिनट की बात करो कि भाई आप कंट्रीब्यूट करो, तो फॉलो भी लो, 30 बच्चे बैठे हैं क्लास में, 50 बच्चे बैठे हैं, सब बोलो भाई करेंगे नहीं करेंगे, 500 रुपये कर दो यार, 1000 रुपये करो और फितर सैलानी में आएगा, ज़कात सैलानी में आएगी, ठीक है रिश्तेदार की प्रायोरिटी होती है, भाई बहनों की प्रायोरिटी होती है, मगर एक हिस्सा तो सैलानी कर दो, और फितरा और ज़कात इस वक्त प्रायोरिटी बना लो, अपने दोस्तों में जाके बात करो, रिश्तेदारों में बात करो कि भाई आपको सैलानी में जमा करानी है, अगर आपको भरोसा है कि मैं गौस ईमानदार बंदा हूँ तो आप पैसे चले मैं आप जमा कराता हूँ, आपको अगर टेलीफोन करें तो घर से बंदा पिक कर लेगा, पूरे पाकिस्तान के लिए फैसलाबाद में जो जो लड़के मैं सामने देख रहा हूँ, मुझे सिर्फ बताना आप में से कितने लोग जो सैलानी पे पढ़ के निकले, हाथ खड़ा करना, फैसलाबाद के ऑटोरियम में बात करो, सैलानी से पढ़ के निकलो फैसलाबाद के लड़के, जी सर सैलानी से पढ़ के निकलो, जब सब लोगों ने हाथ खड़ा करना, तो यार ये हमारी जिम्मेदारी है, फैसलाबाद जैसा शहर जो कि अल्हम्दुलिल्लाह साहिब ऐसी शहर है, ये हमारी जिम्मेदारी है, अगर रिजवान जिम्मेदारी नहीं उठाएगा, बहुत जिम्मेदारी नहीं उठाएगा, दिमाग में जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे मजा नहीं आएगा, ओनरशिप लेनी पड़ेगी आपको, क्या ये तो करना पड़ेगा, सैलानी किसी को ज्यादा नहीं, आप जा रहा है तो अपने इदारे के लिए काम करो यार। आखिरी में बात कहूंगा, इदारा जब घर परेशान होता है ना तो अपने बच्चों को बोलता है, बाहर वाले को जाके नहीं बोलेगा, घर के फाक को बोलेगा, वाले परेशान होंगे ना तो अपने बच्चों को बोलेंगे, तो आपको हजरत का मैसेज मिला कर आज हम बैठे हुए हैं, मदिया बैठे हुए इस वक्त, इस इदारे को आपके अपने इदारे को बहुत जरूरत है, आपका जो पास आउट स्टूडेंट्स का बैच होगा, कोई ना कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना होगा आपका एलम नॉइज की, इन सबको कनेक्ट करो, जो आपको पता है अच्छे जॉब्स कर रहे हैं उनको बोलो करें, मगर हमें एक बड़ा एफर्ट SMIT की तरफ से करना है, मैं जब बोर्ड में बैठूं उदारे के तो मैं बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह SMIT ने बोर्ड ने ही काम किया है, आपके जितने बच्चे पढ़ते हैं, आखिरी बात कर रहा हूँ, जितने स्टूडेंट पढ़ते हैं
एक दफा अंदाजन एक फितरा 250 रुपए का होगा, 250 से 300 रुपए का, 250 रुपए पकड़ लेते। उस बच्चे के ऊपर उसको ये कोशिश करें कि हर बच्चा हर स्टूडेंट एटलीस्ट 25 फितरे जमा करके ले खानदान से, कोई मुश्किल बड़ी बात नहीं कर रहा। 25 फितरे तो वो बहन भाइयों के रिश्तेदार ताए चचा के कजन भी मिलाएगा, 25 लोग बता दे और उसको कंप्लेट पर्ची भी देगी, कोई हाथ का निकाल नहीं, प्रॉपर पर्ची है हमारे, वो लेके जाएगा। 25 फितरे भी अगर वो ले आएगा ना तो सकी मारे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। खास तौर पे मैं अगेन कहूँगा हमारी सीनियर फैकल्टी नासिर भाई, इमाम भाई, यहाँ जितने लोग मेरे से बैठे हुए इसहाक भाई, काशिफ भाई, जो सीनियर फैकल्टी को पढ़ाते हैं, आप लोग लाइक में पढ़ा रहे हैं यार, कोशिश करें सारे में मैसेज पहुँचाएं। 25 फितरे तो मैंने एक बात कह दी आपको, 25 फितरे भी लिया है स्टूडेंट तो बहुत बड़ा काम होगा, किसी के घर से पिक करना हम कर लेंगे, मगर आपके अपने इदारे सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट को आपकी ज़रूरत है कि आप जैसे कई हज़ार लोगों के लिए काम किया जा सके। और क्या करूँगा मैं, काम बंद कर दूँगा, क्या चाहते हो कि बंद किया जाए काम? आप लोगों को तो बंद करने के कोई कोई भी नहीं जाएगा और आप लोग सारा बन जाओगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के फाउंडर हज़रत शी फारूकी साहब के साहबजादे जो कि इस इदारे में वॉलंट्री काम देखते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मदनी रज़ा साहब को, उस स्टेज पर आए आप लोगों से बात करें।